हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बिजली के बिल का रिमाइंडर सॉफ्टवेयर बनाना है कि जैसे मान लीजिए कि जो करंट डेट है उससे 5 दिन 4 दिन पहले आपका रिमाइंडर आ जाए और वो आपको ये बताए कि हाँ आपका बिल जो है ड्यू है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ऐसे ही मैंने पहले भी बनाना सिखाया है। चलिए आज समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे इसको कैसे डिजाइन करेंगे। और ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने इससे पहले जो सिखाया है वो 2016 नहीं था, वो मैंने 2007 में बताया था। तो 2016 पे ये कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस ओपन करेंगे। तो ये एक्सेस को ओपन कर लीजिएगा, जो भी आपका एक्सेस का सॉफ्टवेयर है उसे आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, 2016। तो 2016 में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ सिंपली व्यू पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ राइट टेबल वन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिमाइंडर, ये लिख दिया मैंने टेबल। ठीक है, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर। ओके, तो ये हो गया, एंटर कर दिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर आएगा आपका बिल नंबर या अकाउंट नंबर जो भी है इसका। तो ये मैं बिल नंबर लिख देता हूँ, बिल नंबर इसको मैं बना रहा हूँ प्राइमरी की। देख सकते हैं ये जो बिल नंबर हम यहाँ पे देंगे, इसको हम बनाएंगे प्राइमरी की। ओके, तो ये हो गया बिल और फिर लिख दिया नंबर। तो ये प्राइमरी की बना दिया और इसको ऑटो नंबर मार्क करके हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर या नेम ऑफ नेम रख देते हैं, नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर का नाम आ जाएगा। ओके, तो ये कस्टमर का नाम हो गया। और फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर क्या दे देंगे, यहां पर दे देंगे बिल अमाउंट। क्या दे देंगे, बिल अमाउंट, कितना बिल बना। तो बिल अमाउंट दे देता हूं यहां पे, है ना। और इसको रख देते हैं करेंसी डेटा टाइप। बिल अमाउंट को क्या रखेंगे, करेंसी, करेंसी डेटा टाइप रखेंगे। क्या रखेंगे, करेंसी। तो यहां से आपको करेंसी चूज कर लेना, ये सिंपल वे में करेंसी चूज कर लीजिए, वो क्या काम। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पे ड्यू डेट आपको डालनी है, ड्यू डेट, ड्यू डेट डालनी है। यह है ड्यू डेट, और यहाँ आप जा करके और थोड़ा सा काम ये करिएगा कि यहाँ पे डेट एंड टाइम देख रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया है। और यहाँ पर हम जब व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, बिल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको और ड्यू डेट दिख रहा है। तो अभी आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम तो ये करिए कि ये तो बनी क्या है, बिल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, नेम ऑफ कस्टमर कर देता हूँ दुर्गेश कुमार। ठीक है, तो ये कर देते हैं दुर्गेश कुमार, और दुर्गेश कुमार करने के बाद यहाँ पे बिल अमाउंट आएगा। तो मान लीजिए 5000 रुपया बिल अमाउंट है, हो गया। यहाँ पे ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट जो है क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए कि ड्यू डेट है आपका सपोज कीजिए 4 तारीख या 5 तारीख, तो ये 5 तारीख ड्यू डेट डाल दिया हमने। ठीक है, 5 तारीख ड्यू डेट है। और इसी तरीके से और भी यहाँ पर कोई नंबर दे दिया हमने, और यहाँ पर आए, यहाँ पे लिख देते हैं राम, और यहाँ पे बिल अमाउंट लिख देते हैं ये 5000 रुपया बिल अमाउंट, है ना। तो ये हो गया 5000 रुपया बिल अमाउंट, और यहाँ पे ड्यू डेट भी है 5 ही तारीख कर देते हैं, है ना। ये 5 हो गया, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और इन दोनों को सेव करते हैं। ये सेव कर लिया हमने, सेव करने के बाद क्या करना है, सेव करने के बाद अब आना है क्वेरी एक बनानी है। तो ये क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और इस टेबल को यहाँ पे ऐड करवा देंगे। सारे ही फील्ड्स हमें चाहिए होंगे, तो ये सारे ही फील्ड्स आप ले लीजिएगा यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, रिमाइंडर लगेगा। तो रिमाइंडर लगाएंगे तो यहाँ पर कोलन जरूर लगाइएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगेगा, इफ की मदद से हम ये रिमाइंडर बना सकते हैं। ठीक है, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इफ का फॉर्मूला, तो इफ यहाँ पे लगता नहीं, आपको पता है ना, आई इफ लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आई इफ लगा दीजिएगा। और यहाँ पे करिएगा ड्यू डेट, ड्यू डेट, है ना। तो ये कर दिया ड्यू डेट, और ड्यू डेट करने के बाद क्या करना है, इज ग्रेटर देन देना है, क्या देना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे कर दीजिएगा नाउ, नाउ कर दिया हमने, नाउ यानी आज के करेंट डेट से, करेंट डेट से कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे -4 कर देता हूँ, 4 क्या है देखिएगा, है ना, 4 कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्लीज सबमिट योर पेंडिंग अमाउंट, पेंडिंग
पेंडिंग अमाउंट कर देते हैं AMOUND, पेंडिंग अमाउंट कर दिया, ठीक है। और ये जो है इसको डबल ट्रिपल कोट में रखना है और फिर एक बार कॉमा देना है कि इसमें दो कंडीशन होगी और फिर यहाँ पे गैप दे देंगे। अगर पेंडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा और नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दीजिए और अब यहाँ से रन पर क्लिक कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज सबमिट योर पेंडिंग अमाउंट अपने आप आ रहा है, देख रहे हैं ये सबमिट योर पेंडिंग अमाउंट अपने आप आ रहा है। अब इसके लिए हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो यहाँ से क्रिएट पर चलेंगे और फॉर्म डिजाइन करेंगे, कहाँ जा सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म पे जा सकते हैं, फॉर्म विजार्ड पे जा सकते हैं, लैमिनेशन फॉर्म बना सकते हैं और यहाँ से मल्टीपल आइटम्स ले सकते हैं या नेगेटिव व्यू भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। फिलहाल हम ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे शो ऑल टेबल। तो ये जो है ये यहाँ पर ले लिया हमने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये ले लिया। यहाँ से उसको डिजाइन व्यू पे थोड़ा ले लेते हैं, ये डिजाइन व्यू है ना, तो ये डिजाइन व्यू पे आ गए हम। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं, टाइटल डालेंगे ठीक रहेगा। यहाँ से फॉर्म डिजाइन पे जाकर के और यहाँ टाइटल पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, ये कर दिया हमने, है ना। और इस तरीके का एक छोटा सा एक डेमो सॉफ्टवेयर आपको बना करके मैं दे रहा हूँ, तो ये देखिए ये हो गया ना। अब यहाँ से क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज कर दीजिए, फॉन्ट चेंज करना जरूरी है। तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, कलर बदल देते हैं इसका, इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये निगम लिमिटेड जो है यहाँ से जाए पूरा, तो ये पूरा पूरा आ जाए, बस इतना ही हमको रखना है, ये हो गया, ठीक है। ये सब हो जाने पर इसको पूरा उठाइए और इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाए, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, हो गया। अब ये हमारा हो गया है, अब ये फुटर चाहते हैं तो फुटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हो गया। तो बस इतना ही करना है आपको और यहाँ से प्रॉपर्टी शीट को ओपन करना है। प्रॉपर्टी शीट कब ओपन होगी, फॉर्म डिजाइन पे रहेंगे तब यहाँ प्रॉपर्टी शीट डिजाइन करेगी और यहाँ से आपको फॉर्म चूज करना है, ये जो है ना यहाँ से फॉर्म चूज कर लीजिएगा, ये मैं हर बार बताता हूँ, है। अब ये जो है यहाँ पे पॉपअप को यस करिएगा, ये पॉपअप यस हो जाएगा, बस काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। ये देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गया और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक, डार्क ब्लैक कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, है ना। तो ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए, ये आपका बन गया है बिजली बिल रिमाइंडर सॉफ्टवेयर, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप ये यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए और यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, तो ये लीजिएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू डेट तक तो दिख रहा है लेकिन जो फॉर्मूला लगाया वो नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मूला भी दिखे इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा काम हमको करना होगा, हमको क्वेरी को उठाना है। ये जो क्वेरी है ना ये सेव नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर के नाम से इसको सेव करता हूँ, ये कर दिया रिमाइंडर, रिमाइंडर कर दिया, बस ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो हम फॉर्म बनाएंगे वो किसी के बेस पे बनाएंगे, तो यहाँ से ब्लैंक फॉर्म लेंगे। अब यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, तो आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। इस बार देखिए ब्लैंक फॉर्म तो एक बार हम ले चुके हैं, तो इस बार हम ब्लैंक फॉर्म ना लेकर के फॉर्म डिजाइन या कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म विजार्ड से भी आप जा सकते हैं, तो ये विजार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे विजार्ड पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है, ठीक है। क्वेरी, तो क्वेरी आपको दिख रहा है, इसमें फॉर्म भी दिखेगा, ये टेबल वाला टेबल टेबल टेबल, ठीक है। तो हमें क्वेरी के बेस पे फॉर्म बनाना है, तो ये क्वेरी ले लेते हैं और ये सारी चीजें रखेंगे, तो ये बस हो गया। और टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए, कॉलमर फॉर्म में चाहिए, आप उसको डिसाइड करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बन करके तैयार है, देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है इस तरीके से, ओके। इसमें थोड़ा डिजाइन आप कर सकते हैं, कैसे डिजाइन करेंगे, तरीका वही है, तरीका कोई अलग से नहीं है, तरीका वही है जैसे अभी मैंने डिजाइन किया। तो यहाँ पर जाकर के और ये जो रिमाइंडर है इसको सेंटर अलाइन कर दीजिएगा और बाकी ये सारी चीजें, इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, ये काफी बड़ा हो गया है, इतना बड़ा इसको नहीं रखना है, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से पकड़िए इसको थोड़ा छोटा कीजिए और यहाँ से ये जो है ना हाइट भी इसकी काफी बड़ी है, तो हाइट को भी छोटा करिए और इसके भी हाइट को छोटा करना है आपको, तो यहाँ से जाकर के और इसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए हाइट को, ठीक है। तो ये कर दिया और यहाँ से इसको भी कम कर दीजिए, ये है ना, ये हो गया कम, ओके। और यहाँ से ये भी कम हो जाएगा, तो इसको क्लिक करके और इसको भी आप छोटा कर सकते हैं,
ये हो गया छोटा। ओके अब यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करके और इसका कलर आप बदल दीजिए, जो भी कलर है बैकग्राउंड का आप देना चाहते हैं वही कलर आप दे दीजिए, है ना। और फिर पूरा डेटा सेलेक्ट करके और यहाँ से और ये देखिए रिमाइंडर करना था ये एंड छूट गया, ये हो गया रिमाइंडर। ओके और अब जो है पूरा डेटा सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देते हैं और ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ फॉर्म डिजाइन पे जाके व्यू पे क्लिक कीजिएगा। क्योंकि ये छिपता हुआ सा दिख रहा है तो इसको हमें सही कर लेना है। कैसे सही करेंगे, यहाँ पर आकर के और इसको सही करेंगे। ये देखिए ये नेम ऑफ कस्टमर है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको थोड़ा सा नीचे हम ले जाएंगे, ये है ना, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेट करना होगा। अब ये सही हो गया, ठीक है। यहां से जाकर के और इसको थोड़ा सा हो गया। अब यहां से बीच में क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, नेम ऑफ कस्टमर है क्या है, प्लीज सबमिट योर पेंडिंग बिल। बिल नहीं दिखाया था, बिल को दिखाने के लिए यहां से ये इसको बाहर कर लीजिए, हो गया। अब देखेंगे प्लीज सबमिट योर पेंडिंग अमाउंट, ठीक है। अगर यही डेट देखिए, डेट अगर यही एक तारीख होती तो क्या ये दिखाता, डेट यही एक तारीख है तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था, हम इसको बंद करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं और बंद करते हैं, ये सेव कर दिया हमने। तो यहाँ पे दो ही चीजें दिख रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे तीसरा, अब यहाँ पे तीसरा हमने डाला और यहाँ पर आ गए और यहाँ पे कर देते हैं राजू, एक और नाम दे दिया हमने राजू, और यहाँ पर पेंडिंग बिल 5500 ये कर देते हैं, और यहाँ पर डेट डालते हैं। डेट हम क्या डालेंगे, 1/3/2022 ये डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि प्लीज सबमिट योर पेंडिंग बिल अमाउंट, या जो कुछ भी लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है। चलिए एक बार हम यहाँ पर फॉर्म में देखते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राजू वाले में देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने के लिए आप पॉपअप को यस कर सकते हैं, तो ये पॉपअप को यस कर दीजिएगा, यस करने का फायदा है ना। तो ये यस करके सेव करके और बस ओके कर दीजिए, आपका रिमाइंडर भी बन चुका है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।